सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। ये जीवन हमें तब दुख देता है जो हम निरंतर वस्तुओं की कामना करते रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिले। पहले साइकिल पे थे, इच्छा हुई कि मोटरसाइकिल आ जाए, तब बात बने, साइकिल से नहीं बनते। मोटरसाइकिल आ गई तो मन हुआ कि पंडिताई में मोटरसाइकिल नहीं जस्ती, गाड़ी हुई। गाड़ी आ गई, आह बोले छोटी गाड़ी में चार आदमी बैठ पाए, बात बन नहीं रही। भैया बड़ी आ गई गाड़ी। अच्छा, ये इच्छाएं जब तक व्यक्ति इच्छाओं का दमन नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में अशांति बनी रहेगी। श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी जैसे व्यभिचारी कभी लोग सुधार देती है। विश्वास भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम साधन है। संतों की वाणी, उनका दिए हुए प्रसाद और बताए गए सम्मार्ग पर विश्वास न करने वाले की दुर्गति निश्चित ही संभव समझिए। बी हरिगांव मलगनवा मंदिर स्थित श्री राम जानकी मंदिर पर आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य श्याम द्विवेदी ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उक्त विचारों की पुष्टि की। धुंधकारी की कथा के बारे में बताया कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी धुंधली ने संतों द्वारा दिए गए प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। अपनी बहन के पुत्र को अपना पुत्र बताते हुए धुंधकारी का पालन करना शुरू कर दिया। संत द्वारा दिए गए प्रसाद को बहन के माध्यम से गाय को खिला दिया, जिससे गोकर्ण नाम का पुत्र भी आत्मदेव ने स्वीकार कर लिया। संतों के प्रसाद का तिरस्कार करने से धुंधकारी व्यभिचारी क्रोधी कामी और वेश्यावृत्ति में लीन होकर पिता व माता को भी मारने लगा। साथ ही स्वयं भी वेश्याओं के चंगुल में फंस कर मरकर प्रियतवनी में चला गया। वहीं गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंधों को सुनाकर धुंधकारी को मुक्ति दिलाई। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उन्होंने आज के युवाओं को भी नई दिशा दी।